तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपने पार्ट 14 में देखा कि वी और जंगकुक वापस दोस्त बन गए और वी ने कहा कि उन्हें हम सुगा और जिमिन को मजा सिखाए, तो जंगकुक ने बोला वो कैसे। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आप सबसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये एक इमेजिनेशन स्टोरी है तो प्लीज कुछ भी गलत मत समझिएगा। चलिए बिना किसी तरीके की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो आरएम ने जंगकुक और वी से कहा तुम उसकी चिंता मत करो, उसके लिए मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। जंगकुक ने आरएम से पूछा आरएम भैया और वो प्लान क्या है, तो आरएम ने कहा कि उन्हें हम जिमिन और सुगा के खाने में जमाल गोटा मिला दे। तो जंगकुक ने कहा आरएम भैया क्या सॉलिड प्लान दिया है, तो वी ने कहा नहीं 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 ये बेकार प्लान है, अगर इससे उन दोनों को कुछ हो गया तो। आरएम ने वी को बोला तुम इसकी चिंता मत करो, उन दोनों को कुछ भी नहीं होगा और वैसे भी ये सिर्फ एक पेट साफ करने की दवा है। तो वी ने कहा अच्छा ठीक है। जंगकुक ने आरएम भैया से कहा आरएम भैया हम ये करने के लिए तो तैयार है, लेकिन बस इसमें आपका और हमारा नाम नहीं आने को। तो आरएम ने जंगकुक से कहा तुम इसकी चिंता मत करो, हमें से किसी का नाम नहीं आएगा। वी ने आरएम से पूछा कि आरएम भैया वैसे तो आपने हमें ये तो बता दिया कि हम उन्हें जमाल गोटा खिलाएंगे, लेकिन कैसे। तो आरएम ने वी से पूछा सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या कल तुम फ्री हो। वी ने पूछा क्यों। आरएम ने वी को कहा कि कल दोपहर में हम दोनों साथ में मार्केट से दवाई लेके आएंगे। तो वी ने कहा अच्छा ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हे भोलेनाथ, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है उसके माता पिता की उम्र को बढ़ा दीजिएगा, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर से आप एक बीटीएस आर्मी और आपके फ्रेंड्स भी बीटीएस के फैन है तो ये वीडियो उन्हें भी शेयर करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगले दिन जब आरएम और वी दोनों एक साथ मार्केट गए तो हमारे वी रास्ते में चलते हुए कुछ ज्यादा ही एंबैरस फील कर रहे थे। तो आरएम ने वी से पूछा तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो। वी ने आरएम को कहा भैया मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ मार्केट आया और साथ ही साथ ये एरिया में भी मैं पहली बार ही आया हूं। आरएम ने वी से पूछा क्या तुम इससे पहले कभी इस एरिया में नहीं आए हो क्या। तो वी ने आरएम को कहा हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस एरिया। फिर उन्होंने एक साथ में मेडिकल से दवाई ली और दोनों साथ में वापस घर आ गए। और फिर जब रात में ये तीनों एक साथ में मिले, फिर जंगकुक ने आरएम से कहा भैया हमें शायद सबसे पहले इसे किसी के ऊपर टेस्ट करके देखना चाहिए। तो आरएम ने जंगकुक से पूछा मतलब, और वी ने कहा किस पे, और जंगकुक ने कहा देखो वहां से कौन आ रहा है, फिर हम सबसे पहले इसी के ऊपर ट्राई करें। और वहां से कौन आ रहा था ये तो मैं आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, तो प्लीज पार्ट 16 के लिए जरूर कमेंट कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।